चलिए, सो फाइनली हेलो एस्केडियंस, वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ लर्निंग। एंड नाउ वी आर ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द इंटीग्रेशन टॉपिक। द क्वेश्चन इज, मार्कर भी डबल हो गए अब तो। सो द क्वेश्चन इज, इफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल 1/2 ऑफ एक्स माइनस 1/k साइन 2x प्लस सी, देन वैल्यू ऑफ k इज 0, 1, 2 और 4। सबसे पहले तो मैं बता दूं, जितने भी इंटीग्रेशन के आज क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे वो सारे के सारे बेस्ड होंगे स्पेसिमेन पेपर के क्वेश्चन से, और आपको 100% ऐसी चीज़ें नहीं मिलती आईएससी के पेपर में। मींस कैसी, जिसमें पुट द वैल्यू और गेट द आंसर वाली सिचुएशन हो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो आपका पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपली आपको सॉल्व करना है और रफ पे करना है, सीधा आंसर लिखना है। फिलहाल यहाँ पे आंसर नहीं, मैं तो पूरा सॉल्यूशन बता रहा हूँ, बट आप लोग कर चुके होंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या उसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, वी हैव, जबकि हमें दे रखा है ये पूरा पोर्शन, ठीक है, इफ इंटीग्रल ऑफ, तो मींस ये चीज तो दे रखी है, मींस ये चीज हमारे पास पहले से है। क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल 1/2 ऑफ एक्स माइनस 1/k ऑफ साइन 2x प्लस सी, और हमने मतलब एक तरीके से आप देख सकते हो पूरा सॉल्यूशन दे रखा है, बस उन्होंने आपसे पूछ लिया कि बताओ बेटा k की वैल्यू क्या है, और k की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0, 1, 2 और 4। आपको पूरा सॉल्व नहीं करना पेपर के टाइम पे, आपको तो सीधा आंसर लिखना है, ठीक है। आंसर कैसे लिखना है, ऐसे लिखो आंसर, सबसे पहले क्या लिखा, जैसे कि इस क्वेश्चन का आंसर मुझे पता है, क्या है आंसर, आंसर है डी ऑफ 4। मतलब आपको आंसर का जो जो पार्ट है ए बी सी डी वो भी लिखना है, और साथ ही साथ जो करेक्ट आंसर है वो भी लिखना है, ठीक है। दोनों चीज़ें लिखोगे तो उससे कन्फ्यूजन नहीं होती, किस बात की, कुछ लोग ए और डी में बहुत कन्फ्यूज होते हैं, तो वो कन्फ्यूजन आप ख़त्म कर दोगे। चलिए फिलहाल इसको सॉल्व करना है, बट इसको सॉल्व करने के लिए आप सबको पता है कि इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डायरेक्ट नहीं निकल सकता। अब नहीं निकल सकता तो ये कैसे निकलेगा, सबसे पहले तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला क्या है आप उसके बारे में बताइए, फार्मूला क्या है, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल होता नहीं कैसे निकलेगा। आइए देखते हैं ऐसे कौन से फार्मूले हैं जिसमें साइन स्क्वायर एक्स हो सकता है, पॉसिबल है, दो जगह से है। फिलहाल तो हम एक जगह से ले रहे हैं, कॉस टू एक्स इज इक्वल, क्योंकि जब भी साइन स्क्वायर इंटीग्रल में साइन स्क्वायर एक्स हो या कॉस स्क्वायर एक्स हो तो उसको सॉल्व करने का केवल एक तरीका है, कॉस टू एक्स का फार्मूला पता होना चाहिए। उसके दो तीनों चारों जितने भी फॉर्म है वो सारे आपको पता होने चाहिए। फिलहाल हमें जरूरत है यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स की, तो लिख रहे हैं 1 - 2 sin² x, ठीक है। जरूरत किसकी, साइन स्क्वायर एक्स की, तो साइन 2 sin² x को ट्रांसपोज करो, 2 sin² x इज इक्वल 1 - cos 2x, ठीक है बच्चों, दिख रहा होगा। तो क्या मिला, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू मुझे चाहिए थी, तो साइन स्क्वायर एक्स इज 1 - cos 2x / 2, ठीक है, सीधा आप लिखोगे। दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इज व्हाट, 1 - cos 2x / 2, ठीक है, और dx। रिजल्ट हमें पहले ही से पता, जो आंसर आने वाला है 1/2 ऑफ एक्स माइनस 1/k, के की जगह पर कुछ और आएगा वो पता करेंगे जब इसका सॉल्यूशन निकलेगा, वहां से पता चल जाएगा, ऑफ साइन 2x प्लस सी, ठीक है। सॉल्यूशन तो निकला रखा है बट मैटर k का है। फिर से देखिए, तो अब इंटीग्रल अगर आप करोगे तो 2 को कांस्टेंट है बाहर करिए, तो 1/2 बाहर आएगा, इंटीग्रल ऑफ क्या बचा, 1 - cos 2x / dx इज इक्वल 1/2 ऑफ x माइनस 1/k ऑफ साइन 2x प्लस सी, ठीक है बच्चों, पूरा सब क्लियर होगा। और मैं बीच बीच में देख भी लूंगा कि वॉइस आ रही है, चीज़ें दिख रही हैं प्रॉपरली या नहीं दिख रही हैं। आप अगर नहीं दिख रहे तो आप जवाब दीजिएगा, वॉइस नहीं आ रही तो भी जवाब दीजिए। चलिए तो 1/2, हाँ बेटा इंटीग्रल ऑफ, इसको सिंप्लीफाई करो अकॉर्डिंग टू एलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन, क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ dx, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई करोगे dx से, 1 dx या dx, माइनस इंटीग्रल ऑफ cos 2x ऑफ dx इज इक्वल x/2 माइनस 1/k साइन 2x प्लस सी, ठीक है बच्चों। तो फाइनली बताओ कितना आया, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x
माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू एक्स इज वॉट, साइन टू एक्स अपॉन टू, क्योंकि हमें कॉफिशेंट ऑफ एक्स भी देखना पड़ेगा, वो हमेशा किस में जाएगा, डिनोमिनेटर में, तो क्या आएगा, टू। इंटीग्रल हो गया कंप्लीट, प्लस सी। अच्छा, 1/2 आपका बाहर से चल रहा था, उसको थोड़ा सा ध्यान रखें, ब्रेकेट लगा के रखें, ठीक है। तो इधर क्या मिल रहा है, एक्स अपॉन टू माइनस वन अपॉन के साइन टू एक्स प्लस सी, ठीक है बच्चों। चलिए तो लास्ट स्टेप मुझे लग रहा नीचे जा रहा होगा, तो ऊपर आ जाते हैं। इंटीग्रल ऑफ 1/2 को मल्टीप्लाई करो बेटा एक्स बाई टू माइनस साइन टू एक्स अपॉन टू टू जा फोर, ठीक है। और प्लस सी इज इक्वल एक्स बाई टू अपॉन टू माइनस वन अपॉन के साइन टू एक्स प्लस सी, ठीक है। अब आज जहां तक क्लियर होगी, अब आइए यही मेन वो जगह है जहां पर आंसर मिलेगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, देखिए यहां पर कॉफिशेंट ऑफ एक्स वो भी देखोगे तो सही है, 1/2 है, पूरा मैच कर रहा है, बस एक जगह केवल है कि कॉफिशेंट ऑफ साइन टू एक्स अगर हम देखें यहां पर, इसमें करना क्या है, कंपेयर करना है कॉफिशेंट ऑफ साइन टू एक्स को, कंपेयर कर लीजिए, कंपेयर, ठीक है। वन मार्क्स के क्वेश्चन में इतना आपको नहीं लिखना, आपको डायरेक्ट करना है जल्दी जल्दी, मैं तो बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम की कोई कमी तो है नहीं, है ना, आपको समझाने के लिए इतना टाइम लग रहा है। कंपेयर द कॉफिशेंट ऑफ, द कॉफिशेंट ऑफ साइन टू एक्स, और बेटा कंपेयर करोगे जैसे ही कॉफिशेंट ऑफ साइन टू एक्स बोथ साइड, बोथ साइड्स, तो बच्चों इधर देखो साइन टू एक्स का कॉफिशेंट कौन है, माइनस वन अपॉन फोर, माइनस वन अपॉन फोर, और इधर कॉफिशेंट ऑफ साइन टू एक्स देखोगे तो वो क्या है, माइनस वन अपॉन के, और के की ही वैल्यू वो पूछ रहे हैं, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो के इज इक्वल फोर, ये बेटा आई। तो आंसर करेक्ट क्या था, इसीलिए मैंने आंसर बताया था आपको फोर। तो एक बार देख लीजिए सारी चीजें करेक्ट है, सब आपको सही से दिख रहा है, मैं भी कंफर्म कर लूं। प्लस लॉग एक्स, मतलब जो भी क्वेश्चन होंगे सारे यूनिक होंगे, ठीक है। सॉल्व क्या करना है कि हमें एक इंटीग्रल को सॉल्व करना है, क्या है, वन अपॉन एक्स कॉस स्क्वायर वन प्लस लॉग एक्स ऑफ डी एक्स, ठीक है बच्चों। आइए तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है, यूनिक क्वेश्चन है, सारे यूनिक मिलेंगे आपको, करना क्या है आपको, यहाँ पे क्या सब कुछ करोगे, ये चीज़ समझने वाली है। आइए सॉल्यूशन देखें इसका, इस क्वेश्चन का, ये भी टू मार्क्स में है, केवल टू मार्क्स में, ये वन में भी नहीं जाएगा, ये टू में जाएगा, ठीक है। तो टू मार्क्स में क्या क्या है, आइए सपोज करते हैं, यहाँ पे पुट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें पता है डी एक्स अपॉन एक्स है और वन प्लस लॉग एक्स को 100% क्या किया जा सकता है, सपोज किया जा सकता है, पुट करते हैं। वन प्लस लॉग एक्स इज मीन्स मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन शुरू हो गया है यहाँ पे, वन प्लस लॉग एक्स इज, आप किस मेथड से कर रहे हो, आप मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन, आपके पास दो ही हैं जो सिलेबस में है, मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन और मेथड बाय पार्ट्स, है ना, बाई पार्ट्स आप कर सकते हो, बाई सब्सटीट्यूशन कर सकते हो। तो वन प्लस लॉग एक्स को आपने टी ले रखा है, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, टू मार्क्स के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो ध्यान से देखें, डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएशन ऑफ वन जीरो, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी, मतलब आपको डी बाई डी एक्स नहीं करना है, डी बाई डी टी करना है, ठीक है। ऑफ वन प्लस लॉग एक्स इज इक्वल डी बाई डी टी, एक बता दे रहा हूँ जो लोग बेसिक्स पढ़ रहे हैं, बेसिक्स से पढ़ रहे हैं वो भी ध्यान दें, डी बाई डी टी ऑफ टी दैट इज वन, एंड डी बाई डी टी ऑफ वन दैट इज कॉन्स्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन, भले ही किसी के रिस्पेक्ट में मैटर नहीं करता, वो तो जीरो ही रहेगा। और प्लस यहाँ पे मैटर कर रहा है कि डी बाई डी टी ऑफ लॉग एक्स हो ही नहीं सकता, क्या करना होगा, आप समझ रहे हो, डी बाई डी टी ऑफ लॉग एक्स, बात को समझें, फंक्शन किस में है, फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ एक्स, कहीं नहीं कर ही नहीं सकते हो, तो क्या करना पड़ेगा आपको, एक बेहतर सी चीज़ कि डी एक्स से मल्टीप्लाई करो, डी एक्स से डिवाइड करो और इनको ही प्लेस को इंटरचेंज कर दो, तुरंत मिलेगा आपको। यहाँ पे ब्रेकेट भी लगा देते हैं इस प्रोसेस को करने के लिए, तो बेटा जीरो प्लस समथिंग कुछ भी करोगे तो वही चीज़ नंबर मिलेगा, डी बाई डी टी, फिलहाल यहाँ पे डी बाई डी टी ऑफ
अगर इंटरचेंज कर दिया तो डी बाय बाई डी एक्स हो गया और यहाँ पे क्या आ गया लॉग एक्स। अब आप इसका डिफ्रेंसिएशन कर सकते हो इधर डी एक्स अपॉन डी टी। तो ये वैसे तो आप डायरेक्ट करोगे ठीक है, अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स नाउ वन अपॉन एक्स ऑफ डी एक्स और डी टी को मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई दैट इज डी टी। और यही जरूरत थी कि डी एक्स अपॉन एक्स देखो मिल गया, मिल गया है ना, तो डी एक्स अपॉन एक्स इज डी टी। तो एक इक्वे ये तो एक तरीके से आप देखें वी हैव यहां पर देखें वी हैव आई इज इक्वल लेट कर लो आई इज इक्वल क्योंकि सॉल्व करना है लेट कर लेते हैं आई इज इक्वल जो इंटीग्रल की वैल्यू हमें चाहिए इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स कॉस स्क्वायर वन प्लस लॉग एक्स। ठीक है अब देखना फ्रॉम इक्वेशन नंबर इसको लिख दो फर्स्ट और ये सेकेंड क्योंकि दोनों की जरूरत है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड अगर आप ध्यान से देखें तो क्या मिल जाएगा I इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स इज दैट इज डी टी और अपॉन कॉस स्क्वायर वन प्लस लॉग एक्स इज वन प्लस लॉग एक्स दैट इज टी। तो बेटा इंटीग्रल ऑफ डी टी अपॉन कॉस स्क्वायर टी अगर है तो क्या होगा सेक स्क्वायर टी वन बाई कॉस स्क्वायर टी इज कॉल्ड द सेक स्क्वायर टी। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर टी डी टी एंड दैट इज कॉल्ड द टेन टी प्लस सी। ठीक है टेन टी प्लस सी और टी की वैल्यू पहले से पता है दैट इज टेन टी फॉर वन प्लस लॉग एक्स फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे लिख दें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट दैट इज वन प्लस लॉग एक्स प्लस सी दैट्स इट। ये रहा पार्ट देख लीजिए अच्छे से नेक्स्ट क्वेश्चन और भी जबरदस्त है क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन है इवेल्युएट आई इज इक्वल इवेल्युएट इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर वन अपॉन एक्स डी एक्स। देखिए क्वेश्चन सारे के सारे आपको यूनिक मिलने एक बार क्वेश्चन चेक कर ले वन अपॉन एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर वन अपॉन एक्स डी एक्स। ठीक है सारे क्वेश्चन आपको जो मिल रहे हैं वो बहुत ही यूनिक मिल रहे हैं आपको जो क्वेश्चन मिलने जा रहे हैं वो कौन कौन से मार्क्स के मिल रहे हैं 1, 2 और 4, 6 टोटल इज 13 तो 13 मार्क्स इंटीग्रल आपको मिल रहा है। तो इवेल्युएट करना है इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर वन अपॉन एक्स डी एक्स। ठीक है बच्चों अब फिर से वही बात यहाँ पे भी कुछ सब्स्टिट्यूशन होना है तभी हो पाएगा ये है ना। तो क्या किया जाए वन अपॉन एक्स दिया है और इधर देखो एक चीज़ देखो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आपको सोचना पड़ेगा बस यूनिक तरीके से सोच लो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सॉल्यूशन देखें इसका लेट करना ही सही रहेगा लेट आई इज इक्वल इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर वन अपॉन एक्स डी एक्स। ठीक है ये भी टू मार्क्स देखते हैं इसका लेंथ वगैरह कितना तक जाता है ना टू या फोर टू मान लो है ना वन में तो नहीं टू में तो कन्फर्म है। आइए तो क्या सब्स्टिट्यूशन होने वाला है सब्स्टिट्यूशन होगा पुट करना पड़ेगा क्या पुट करते हैं वन अपॉन एक्स इज टी तो हम सबको पता है अब हम डिफ्रेंसिएशन डायरेक्ट करेंगे डिफ्रेंसिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। तो अब टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हो फिर से वही बात आ गई क्या हो जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल डी टी। तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर अगर हम देखें तो हमें तो चाहिए वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स पहले ही से है ठीक है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इज माइनस डी टी। ये देखो वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या होगा माइनस डी टी। आइए तो इसकी वजह से फ्रॉम इक्वेशन ले लो फर्स्ट ये वाला फर्स्ट था ये भी ज़रूरत है सेकेंड और ये भी हमारी ज़रूरत है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ठीक है फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड अगर हम ध्यान से देखें क्या आएगा I इज इक्वल इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर को क्या पुट करोगे वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इज
माइनस डी टी, चलो बाद में अरेंज कर लेना, माइनस का डी टी पहले ही से वन अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर वन अपॉन एक्स इज वॉट, वन अपॉन एक्स इज टी, ये देखो तो माइनस साइन को बाहर करते हैं, आई इज इक्वल माइनस बाहर करो क्या मिलेगा साइन, अरेंज करो अच्छे से साइन स्क्वायर टी और डी टी, फिर से वही चीज़ आ गई, इंटीग्रल ऑफ कॉस स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी डायरेक्ट नहीं होता, उसके लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो कॉस टू टी हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है, कॉस टू टी कितना हो जाएगा यहाँ पे, फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कॉस टू टी इज कितना होता था, वन माइनस टू साइन स्क्वायर टी। अच्छा कुछ लोग सोच रहे डायरेक्ट लिख देंगे, तो डायरेक्ट अगर लिख रहे हो तो रीजन भी दे देना, कैसे, ऐसे देना, ठीक है, अभी हम बता रहे हैं आपको कि देना कैसे, साइन स्क्वायर माइनस इंटीग्रल ऑफ, हम सबको पता है साइन स्क्वायर टी कितना हो जाएगा, जब आप साइन स्क्वायर टी इधर से लाओगे, देखो जरा रफवर किधर चल रहा है, टू साइन स्क्वायर टी इज इक्वल वन माइनस कॉस टू टी, ठीक है, तो साइन स्क्वायर टी कितना हो जाएगा, वन माइनस कॉस टू टी अपॉन टू, साइन स्क्वायर टी इज वन माइनस कॉस टू टी अपॉन टू, ठीक है, ध्यान देखना। अब आओ जरा, अब जब हम लिखेंगे, देखो वो देखो क्या आ गया, वन माइनस कॉस टू टी अपॉन टू, ठीक है, ऑफ डी टी। अब देखो यहाँ पर ये चीज ऐसे नहीं लिखी जाएगी, यहाँ पे आप लिखो बिकॉज साइन स्क्वायर टी इज वन माइनस कॉस टू टी अपॉन टू, ये चीज़ लिखनी पड़ेगी तब आंसर आपको मिलेगा और पूरे नंबर भी मिलेंगे। तो माइनस वन बाई टू बाहर कर देते हैं, माइनस का वन बाई टू ब्रेकेट, क्या मिला आपको, इंटीग्रल ऑफ वन डी टी मल्टीप्लाई करो अंदर, माइनस इंटीग्रल ऑफ कॉस टू टी डी टी, कॉस टू टी डी टी, ब्रेकेट कर दो क्लोज, आइए माइनस वन बाई टू ब्रेकेट क्लोज, इंटीग्रल ऑफ डी टी कितना हो जाएगा टी, माइनस इंटीग्रल ऑफ कॉस टू टी इज साइन टू टी अपॉन टू प्लस सी, तो रिजल्ट इज माइनस वन अपॉन टू टी माइनस माइनस प्लस साइन टू टी अपॉन फोर प्लस सी, ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा इधर भी लिख सकता हूँ, ठीक है, वैसे एक बार देख लेता हूँ आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कमेंट भी कर दीजिएगा अगर नहीं दिख रहा है तो भी और दिख रहा है तो भी। आज तो वो काफ़ी, मैं भी चेक कर लेता हूँ, हर बार मैं चेक कर रहा हूँ, दिख रहा है, दिख रहा है ना, चलिए सही से दिख रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। आइए तो एक चीज और रह गई है, टी की वैल्यू भी तो रखो, तो टी फॉर यहाँ पे रखिए, तभी मैंने छोड़ भी दिया, माइनस वन बाई टू टी, टी की वैल्यू कितनी थी, टी हमने को ने कितना ले रखा है, वन अपॉन एक्स, ब्रेकेट लगा दो चाहे तो, वन अपॉन एक्स, ठीक है, माइनस नहीं माइनस माइनस ये प्लस हो रहा था, प्लस साइन टू इंटू टी, टू इंटू टी फॉर वन अपॉन एक्स अपॉन फोर प्लस सी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, इक्वल इन्होंने इसको लिखा था कि इवैल्यूएट, इवैल्यूएट इंटीग्रल ऑफ साइन लॉग एक्स प्लस ब्रेकेट कर दे कॉस लॉग एक्स ऑफ डी एक्स, ये था इनका क्वेश्चन, ठीक है, इनका ये था क्वेश्चन कि इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ लॉग एक्स प्लस कॉस लॉग एक्स डी एक्स कितना होगा। चलिए तो सॉल्यूशन देखते हैं इनका क्या हो जाएगा, लेट कर लो लेट, क्योंकि हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू चाहिए, तो आई इज इक्वल इंटीग्रल ऑफ साइन लॉग ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स ऑफ डी एक्स,
ये था आपका, ये दिया गया है। अब इसको सॉल्व कर कैसे किया जाए, है ना, सब्स्टिट्यूशन या बाई पार्ट्स। तो बेटा यहाँ पर ये क्वेश्चन ऐसा है ना कि इसको पहले तो आप चीज़ों को देखो कि हमें यहाँ पे ये बात पता है कि यहाँ पे क्या आ रहा है, ये कॉस लॉग एक्स है और इधर साइन लॉग एक्स है ना। क्या करना चाहिए जब भी साइन ऑफ, क्योंकि इंटीग्रल तो इसका आप सपोज करने वाले हो तो फेस कर जाओगे प्रॉब्लम, है ना। क्या करना चाहिए यहाँ पर, सीधा सा है कि हम लगा दें क्या आईलेट की यूज को करना चाहिए यहाँ पे, या कह सकते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में जाना चाहिए। आइए तो देखते हैं, लेट करते हैं, क्योंकि लॉग है तो 100% साइन जो होगा वो किस टाइप का फंक्शन होगा। आइए देखते हैं, इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स डॉट वन कर दें, सही है। और प्लस इसको मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं इसको यही रख रहा हूँ कॉस ऑफ लॉग एक्स। सही टाइम पे आपको पता चलेगा कि ऐसा हुआ क्यों, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं डीएक्स को, डीएक्स को अंदर मल्टीप्लाई किया जा सकता है, पॉसिबल है ये। इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ लॉग एक्स ऑफ वन डीएक्स एंड प्लस इंटीग्रल ऑफ कॉस लॉग एक्स। अब सोच रहे हो अगर इंटू वन कर दोगे ना तो ये भी प्रोड्यूस कर जाएगा, वो नहीं करना, अभी थोड़ा सा रुको, है ना। देखते हैं क्या सिचुएशन क्या आ रही है, अभी खुद एहसास होगा आपको। तो आई इज इक्वल, जब इसको तुम सॉल्व करने गए, आप सोच रहे हो थोड़ी देर के, कुछ लोग कह रहे हो कि सर इंटू वन इसमें क्यों नहीं किया, अभी एहसास होगा आपको क्यों नहीं किया। साइन ऑफ लॉग एक्स इंटू वन करोगे अगर हम इसको देखें तो आईलेट का रूल क्या है, ये जो आईलेट है आई फॉर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होना चाहिए, तो वो तो है ही नहीं, लॉगरिथमिक है ही नहीं, ए फॉर एलजेब्रिक है ही नहीं, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, यस दैट इज अ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है तो ये फंक्शन कन्फर्म हो गया कि ये डिफरेंशिएट होगा, क्योंकि हम लगाने जा रहे हैं इंटीग्रल बाई पार्ट्स, तो ये चीज़ डिफरेंशिएट होनी ही होनी, डिफरेंशिएशन इसी का होना है, ठीक है। इंटीग्रल किसका होगा, इंटीग्रल इस पोर्शन का होगा। चलिए तो फार्मूला क्या था, साइन ऑफ लॉग एक्स वो फंक्शन जिसको डिफरेंशिएट करना है इंटू इंटीग्रल ऑफ वो फंक्शन हम लोगों ने क्या ले रखा है, कॉन्स्टेंट है वन ऑफ डी एक्स, ठीक है, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स ऑफ वो फंक्शन जिसको डिफरेंशिएट करना है, वो था ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एज पर द रूल ऑफ आईलेट साइन ऑफ लॉग एक्स, ठीक है। और इंटीग्रल ऑफ, यहां पर ये चीज देखने वाली है कि जो इंटीग्रल ये वाला साइन है ना, होल इंटीग्रल है ऑफ डी एक्स, और इधर क्या था, प्लस इंटीग्रल ऑफ कॉस लॉग एक्स डी एक्स। आइए एक चीज देखते हैं, अब ऐसा हुआ कि अभी तुम्हें एहसास हो रहा है, देखना साइन ऑफ लॉग एक्स डॉट इंटीग्रल ऑफ वन डी एक्स दैट इज एक्स माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डी वाई डी एक्स ऑफ साइन लॉग एक्स इज कॉल्ड, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस लॉग एक्स हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का हो गया। अब किसका, लॉगरिथमिक फंक्शन कौन है, लॉग एक्स, तो इसको भी तो डिफरेंशिएट करो, ये भी तो डिफरेंशिएशन का रूल है ना, किसके रिस्पेक्ट में, जो जो विद रिस्पेक्ट टू एक्स है सबको डिफरेंशिएट करो, क्या हो जाएगा डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ वन डी एक्स दैट इज कॉल्ड द एक्स एंड होल डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ कॉस लॉग एक्स डी एक्स, ठीक है बच्चों। देखना हम जो दिखाना चाहते थे, साइन लॉग एक्स डॉट एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ ये कितना आ गया, इन माइनस कॉस ऑफ लॉग एक्स और इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज कॉल्ड द वन अपॉन एक्स इंटू एक्स डी एक्स। अब देखो एक्स और एक्स कैंसिल हो गया, इसीलिए कॉस ऑफ लॉग एक्स डी एक्स। अगर तुम इसको और इंटू वन इसमें भी कर देते और इसमें इंटीग्रल बाई पार्ट्स लगाते तो ये क्या करता है, ये सॉल्व नहीं होता ऐसे, है ना। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छी सी खूबसूरत सी चीज़ है आपकी आंखों के सामने कि ये चीज़ क्या लिखी है, निगेटिव ऑफ कॉस लॉग एक्स डी एक्स और ये पॉजिटिव ऑफ कॉस लॉग एक्स डी एक्स, तो ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, कैंसिल विद पॉजिटिव साइन सी, क्योंकि इंटीग्रल तो हुआ ही है इसका, तो साइन ऑफ लॉग एक्स ऑफ एक्स प्लस सी दैट इज अ करेक्ट आंसर। 2 मार्क्स आपके ये है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, टाइम इसमें तो स्पेस थोड़ा सा कवर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, तो अब की बार क्वेश्चन क्या है कि आई इज इक्वल इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर 2x अपॉन ई टू द पावर x प्लस 1 dx, इसका इंटीग्रल करना है। आइए तो देखते हैं कैसे करते हैं। सो आई इज इक्वल, इस चीज को हम लिखने जा रहे हैं क्या, ई टू द पावर x इंटू ई टू द पावर x, क्योंकि जब भी मल्टीप्लाई करते हो ना तो वह जो एक्सपोनेंट होती है वो क्या होती है, आपस में ऐड होती है, अपॉन ई टू द पावर x प्लस 1 dx। ठीक है, तो सपोज करते हैं, लेट करते हैं, लेट e टू द पावर x इज इक्वल t। ठीक है, पुट करते हैं यहाँ पे, बाय पुटिंग या पुट e टू द पावर x इज t, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो e टू द पावर x dx इज इक्वल dt। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड, एक साथ तीनों को यूज करते हैं, ये सारे के सारे टू मार्क्स चल रहे हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स, दैट इज सबको पता है ई टू द पावर एक्स डी एक्स इज कॉल्ड द डी टी, और ई टू द पावर एक्स इज कॉल्ड द टी फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट, इसीलिए एक साथ सारा यूज कर रहे हैं, अपॉन टी प्लस वन। ये देखो, और बेटा इसको सॉल्व करने का क्या मेथड है, हमने आपको बताया था कि इसके लिए कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान है, इंटीग्रल ऑफ टी प्लस वन माइनस वन कर दें, कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ेगा, बट एक इम्पैक्ट पड़ेगा कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा टी प्लस वन ऑफ डी टी, ये इसको ब्रैकेट में कर दो, इसीलिए किया भी है, तो ये क्या मिलेगा, माई इज इक्वल टी प्लस वन अपॉन टी प्लस वन ऑफ डी टी माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन टी प्लस वन ऑफ डी टी। ठीक है, टी प्लस वन कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा हमारा, इंटीग्रल ऑफ डी टी माइनस इंटीग्रल ऑफ डी टी अपॉन टी प्लस वन, और इंटीग्रेशन ऑफ डी टी क्या होता है, दैट इज कॉल्ड द टी माइनस, और इंटीग्रेशन ऑफ डी टी ऑफ अपॉन टी प्लस वन इज कॉल्ड द ln, अच्छा आजकल ln भी चल रहा है, अच्छा log भी लिख रहे हैं, ln इंटीग्रल ln ऑफ मॉड टी प्लस वन प्लस सी, और बच्चों टी की वैल्यू कितनी थी, ई टू द पावर एक्स माइनस एल एन ऑफ ई टू द पावर एक्स प्लस वन प्लस सी, ये था, ये भी टू मार्क्स में बिल्कुल क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, अगला क्वेश्चन, एक और जबरदस्त क्वेश्चन, क्वेश्चन सारे यूनिक है, सारे क्वेश्चन यूनिक होंगे, भी एक अपने आप में सबसे जबरदस्त क्वेश्चन था, आइए देखिए इसको, इस क्वेश्चन को देखिए क्या यूनिक चीज है ना, अपने आप में जबरदस्त, ई टू द पावर एक्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पर वर्क करेगा, जब भी ई टू द पावर एक्स देखो ना, समझ जाना टू मार्क्स में है या वन मार्क्स में, ई टू द पावर एक्स का एक ही यूज है अपने कॉन्सेप्ट में, क्या है कि इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स dx अगर आपको मिल रहा है तो आंसर 100% e टू द पावर x ऑफ एफ एक्स प्लस सी होगा, है ना बच्चों, ये चीज आपकी सबसे जबरदस्त है, ये कॉन्सेप्ट है। आइए तो सॉल्व करते हैं एक और जबरदस्त से क्वेश्चन, सबसे यूनिक सबसे जुदा, आई लेट करिए, लेट i इज इक्वल इंटीग्रल ऑफ x e टू द पावर x अपॉन x प्लस वन टू द होल स्क्वायर dx होगा यार, डी टी डी dx, ठीक है, x e टू द पावर x अपॉन x प्लस वन टू द होल स्क्वायर ऑफ डी एक्स, कैसे करें, क्या करना होगा इसमें, आइए देखते हैं, इसमें इस कॉन्सेप्ट को लाना है, मतलब अगर न्यूमरेटर में देखें, डिनोमिनेटर का तो सवाल ही नहीं है, यहाँ पे डिनोमिनेटर का बचेगा तो जरूर कोई ना कोई यूज होगा उसका, अगर हम इसको देखें तो e टू द पावर x को इधर कर दो, ठीक है, और इस साइड का जो पोर्शन है उसमें कौन होगा, x होगा, अपॉन में कौन चल रहा है, x प्लस वन टू द होल स्क्वायर ऑफ डी एक्स, कोई बेनिफिट नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसके इस लायक बनाओ कि बेनिफिट मिले, दैट इज इक्वल इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर एक्स, क्या हो जाएगा बेटा, क्या करें कि कुछ ऐसा मिले जिसका मतलब एक ऐसा फंक्शन हो जिसका डिफरेंशिएबल जो चीज़ है वो भी डिफरेंशिएशन वो भी अवेलेबल हो, कहने का मतलब, तो क्या करोगे, एक्स प्लस वन कर दें और माइनस वन कर दो, अब देखो अवेलेबिलिटी, एक्स प्लस वन टू द होल स्क्वायर ऑफ डी एक्स, ठीक है,
अब आइए थोड़ा और सिंप्लीफाई करिए, ए टू द पावर एक्स ब्रेकेट, क्या लिख सकते हैं इसको, इस चीज को हम ब्रेकेट में इन्वॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन टू द होल स्क्वायर एंड माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन टू द होल स्क्वायर डी एक्स। शायद 80% या 90% स्टूडेंट इस चीज़ को समझ चुका है हुआ क्या, अब क्रॉस कर दिया जाए स्क्वायर से, क्या बचा, क्या बचा हमारा, बहुत ईजी, क्या बचा, इसीलिए कहा था ये टाइप मिलने की पूरे पूरे चांसेस है, ई टू द पावर एक्स ब्रेकेट वन अपॉन एक्स प्लस वन, क्योंकि ऐसा नहीं है पुट द वैल्यू गेट द आंसर होने वाला है ना, इतना तो सोचना पड़ेगा, मतलब तुम्हारे माइंड पे एक प्रेशर पड़ेगा ही पड़ेगा सोचने के लिए, वन अपॉन एक्स प्लस वन ठीक है, और माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन टू द होल स्क्वायर ऑफ डी एक्स। अब तुम्हें दिखेगा अलग से, ये बेटा एफ एक्स है, यही वो एफ एक्स है, बाई यूजिंग, आप चाहें तो यहाँ पे लिख दें बाई यूजिंग ऊपर वाला इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर एक्स ब्रेकेट एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो बच्चों 100% वन अपॉन एक्स प्लस वन अगर कोई फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस वन अपॉन, जैसे वन अपॉन एक्स है और वन अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो वैसे ही है वन अपॉन एक्स प्लस वन है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन टू द होल स्क्वायर, चाहे तो करके भी देख सकते हो ठीक है। फिलहाल अब इस लेवल पे हो तुम्हें आता होगा ई टू द पावर एक्स और एफ एक्स कौन बचा, वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी, दैट्स इट। ये भी एक यूनिक क्वेश्चन था, सारे क्वेश्चन अपने आप में यूनिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, एक साथ दो क्वेश्चन है अब ठीक है, एक तरफ इधर चलते हैं एक तरफ ही, आई इज इक्वल एक क्वेश्चन है इसकी सॉल्व करिए, सॉल्व इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स डी एक्स। ये देखिए क्या जबरदस्त चीज है ठीक है। दूसरा है इंटीग्रल इवेल्युएट इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स क्यूब कॉस टू ई टू द पावर एक्स क्यूब डी एक्स ठीक है बेटा। ये है क्वेश्चन, देखा है यूनिक। अब आओ, हमने आपको बोला था कि अगर रूट में कुछ है ना तो वहीं पर कुछ पुट करेंगे, यहाँ के लिए तो अलग सिचुएशन है। अच्छा यहाँ भी देख लेंगे, पहले इसको देख लेते हैं, सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन लिखें इसका, सॉल्यूशन लेट कर लेते हैं तुरंत, लेट आई इज इक्वल इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स डी एक्स। चलिए तो बेटा यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, रूट में कोई चीज़ है तुरंत 100% इसको क्या कर लो, सपोज कर पुट करना है, यहाँ पे कुछ पुट करते हैं, पुट साइन एक्स क्या करें कि रूट से बाहर आए, साइन एक्स को कर ले लेट कर लेते हैं चलो टी स्क्वायर सही है, या रूट साइन एक्स को टी लोगे तो उससे बेहतर है कि साइन एक्स को टी स्क्वायर ले लो, क्योंकि मैटर तो ये ना बाहर आना चाहिए, साइन एक्स अगर टी स्क्वायर है तो डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टी, विद रिस्पेक्ट टू टी सब्स्टिट्यूशन शुरू हो चुका है तो क्या हुआ कॉस एक्स डी एक्स एंड दैट इज टू टी डी टी ठीक है। और नेक्स्ट आप सोच रहे होगे चलो अभी देखते हैं क्या क्या हो सकता है, तो कॉस एक्स डी एक्स तो है ही हमारे पास, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिख दो, फ्रॉम इक्वेशन क्योंकि एक साथ सारा यूज करते हैं फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड अलग अलग क्यों, तो यहाँ पर लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों एक साथ यूज कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा कॉस डी एक्स इज व्हाट, कॉस डी एक्स इज टू टी डी टी अपॉन साइन एक्स को क्या लोगे टी स्क्वायर प्लस रूट साइन एक्स को क्या लोगे चलो टी स्क्वायर, फिर से ले देते हैं रूट में टी स्क्वायर हो जाएगा। अब एक बात बताओ ये हुआ टू टी डी टी अपॉन में टी स्क्वायर और प्लस अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर इज कॉल द टी,
अगर आप ध्यान से देखिए तो टी कॉमन है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में टी क्या आ रहा है, टी कॉमन आ रहा है, टू टी डी टी अपॉन टी कॉमन ले लो, क्या मिलेगा, टी प्लस वन टी, और टी कैंसिल हो गया, रिजल्ट इज, रिजल्ट आपके सामने है, रिजल्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पे थोड़ी सी जगह में लिख देते हैं, क्या आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ टू डी टी अपॉन टी प्लस वन, तो या टू कॉन्स्टेंट बाहर करिए तो डी टी अपॉन टी प्लस वन, तो बताइए इंटीग्रल ऑफ डी टी अपॉन टी प्लस वन इज वॉट, एल एन ऑफ टू ऑफ एल एन या लॉग ऑफ मॉड टी प्लस वन प्लस सी, तो आंसर आपके सामने टू लॉग मॉड टी, फॉर टी की जगह क्या रखोगे, टी इज कॉल्ड द रूट साइन एक्स प्लस वन प्लस सी, ये था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कितना लंबा चल रहा है ना, कितना लंबा है क्वेश्चन, और इतना ज़्यादा इशू है नहीं इस क्वेश्चन में, क्या किया जाए, सॉल्व किया जाए, लेट करो तुरंत, लेट I इज इक्वल इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर ब्रेकेट ई टू द पावर एक्स क्यूब कॉस ऑफ टू ई टू द पावर एक्स क्यूब डी एक्स, बताओ क्या सपोज किया जाए जिससे कुछ मिले, मुझे तो दिख गया, ई टू द पावर एक्स क्यूब को अगर हम सपोज करें तो देखना, मतलब पता कैसे चल जाता है, यही सपोज करना पड़ेगा, आओ देखते हैं, पुट इस क्वेश्चन ले लेना फर्स्ट, पुट थोड़ी सी हमें लगता है जगह चाहिए होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, चलिए देखते हैं, पुट ई टू द पावर एक्स क्यूब इज इक्वल टी, अगर आप इसको डिफरेंस, ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई टू द पावर एक्स ही होता है, तो यहाँ पर तो डिफरेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ज़्यादा इम्पैक्ट तो नहीं बट बहुत ज़्यादा है भी, समझने वाली चीज़ वो पहले क्वेश्चन में हमने आपको बता दिया था, तो ई टू इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर एक्स क्यूब नहीं यहाँ पे करना, हमें डिफरेंशिएट करना है, तो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स क्यूब मतलब वही रहेगा, और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब अलग से करना है, तो डी बाई डी टी ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल डी बाई डी टी ऑफ टी एंड दैट इज वन, ठीक है। हाँ बच्चों कैसे करते थे, इसका सीधा कर दें, ई टू द पावर एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता था, थ्री एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स इज इक्वल कर देते हैं डी टी, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहले क्वेश्चन में अपने आपको बताया था, ठीक है, उसी तरीके से तो इंटरचेंज करते थे पोजीशन को। तो भाई क्या क्या हमारे पास है, चलो देखो क्या क्या है हमारे पास, ई टू द पावर एक्स क्यूब है, थ्री नहीं है, है ना, तो थ्री कोई बात नहीं, ई टू द पावर एक्स क्यूब ले लो, डॉट एक्स स्क्वायर डी एक्स एंड दैट इज कर देते हैं डी टी अपॉन थ्री। अच्छा ऐसा करने का रीजन क्या है वो देखिए जरा, ई टू द पावर एक्स क्यूब ढूंढो, हाँ है, एक्स स्क्वायर हाँ है वो भी है, और डी एक्स ये रहा, सारी चीज़ें तो है। आइए फिर क्वेश्चन में करने में क्या बचा, आई इज इक्वल, चलो पहले इक्वेशन तो ले लो सेकेंड, और ये हो गया अपना थर्ड, यहाँ लिख भी दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड एक साथ तीनों, ठीक है, फिर से ले ली, तो अब क्या मिलेगा, आई इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ, हाँ आपने क्या बताया था कि एक्स स्क्वायर डी एक्स भी लेना है, एक्स स्क्वायर भी लेना है डी एक्स भी लेना है, और ई टू द पावर, तो क्या बचेगा, केवल डी टी अपॉन थ्री, मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो एक्स स्क्वायर पहली चीज और ई टू द पावर एक्स क्यूब दूसरी चीज, या डायरेक्ट करें, डायरेक्ट करें, चलो अच्छा डायरेक्ट ही करते हैं, हाँ तो एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स क्यूब और डी एक्स, इस पूरे की वैल्यू कितनी है, डी टी अपॉन थ्री इंटू कॉस टू, और फिर से ई टू द पावर एक्स क्यूब आ गया, फिर से आ गया ई टू द पावर एक्स क्यूब, तो ई टू द पावर एक्स क्यूब इज टी, सही है। इसको अरेंज करना जरा, वन अपॉन थ्री बाहर करो, इंटीग्रल ऑफ कॉस टू टी ऑफ डी टी बच्चों, और कॉस टू टी कितना होता है, वन अपॉन थ्री, इंटीग्रल ऑफ कॉस टू टी इज साइन टू टी अपॉन टू, टू टी अपॉन टू प्लस सी, तो आंसर अब आपके सामने वन बाई सिक्स साइन टू टी प्लस सी, वन बाई सिक्स कर दो साइन टू, और टी की जगह पर कितना लिखोगे, टी फॉर ई टू द पावर एक्स क्यूब प्लस सी, ठीक है। तो ये भी आपका एक पार्ट खत्म होता है, यहाँ तक देख लूँ पूरा दिख रहा है।
बिल्कुल सही है। कोई इशू नहीं है यहाँ पे। और कुछ बचा है यूनिक? हाँ, मैं दो क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ठीक है, इनको आप सॉल्व करिए। दोनों यूनिक है ये भी। दो क्वेश्चन तो कम से कम आप लोग कर ही लोगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आप लोगों ने आज किए थे, ये सारे 1-2 मार्क्स पर बेस्ड थे। तो एक क्वेश्चन है आपका, देख लेते हैं, एक ही है, दो नहीं है, एक ही करना है आपको। इवेल्युएट इंटीग्रल ऑफ कॉस सेक एक्स अपॉन लॉग टेन एक्स बाई टू डी एक्स, ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। इंटीग्रल ऑफ कॉस सेक एक्स डी एक्स अपॉन लॉग टेन एक्स बाई टू, ठीक है। तो ये आपके लिए वर्क है, इसको आप कंप्लीट करिए अच्छे से और पढ़ाई अच्छे से करिए। कुछ लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो लोग ध्यान दें, और ध्यान नहीं दोगे तो 100% रिजल्ट आपका ख़राब भी हो सकता है। आप जितना ज़्यादा ध्यान देंगे इस टाइम पे, यही टाइम आपका सबसे प्रीसियस, सबसे इम्पॉर्टेंट मोमेंट यही है आपकी लाइफ का भी। ओके, सो अच्छे से मेहनत करिए। गुड नाइट, टेक केयर।